2 महीने में ही हो गया है बॉलीवुड एक्ट्रेस सुष्मिता सेन और ललित मोदी का ब्रेकअप। इन दोनों की प्रेम कहानी क्या इतनी जल्दी खत्म हो गई है? दोनों के रिश्तों में किस वजह से दरार आई है, चलिए दोस्तों बताते हैं आपको इस खास वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। दोस्तों, ललित मोदी ने हाल ही में एक पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने सभी के साथ अपना रिश्ता सुष्मिता सेन के साथ पब्लिक कर दिया था। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम में काफी सारे चेंजेस किए थे, अपनी बायो चेंज की थी। अपनी बायो में ट्विटर पर और इंस्टाग्राम पर ये मेंशन किया था कि सुष्मिता सेन उनका प्यार, उनकी दुनिया है। उनके साथ अपनी डीपी भी चेंज की थी। लेकिन दोस्तों, अगर आप ललित कुमार मोदी का इंस्टाग्राम देखें तो आपको काफी सारे बदलाव नजर आएंगे। ललित मोदी ने अब अचानक से अपने इंस्टाग्राम और ट्विटर से सुष्मिता सेन के साथ की वो डीपी और वो बायो हटा दी है। जी हाँ दोस्तों, ललित कुमार मोदी के बायो में काफी सारे चेंजेस देखने मिल रहे हैं। बात करें ललित मोदी के उस इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल की, तो भाई उन्होंने तब लिखा था, मैं अपनी पार्टनर के साथ नई जिंदगी की शुरुआत कर रहा हूँ, मेरा प्यार सुष्मिता सेन। लेकिन दोस्तों, अब अचानक से 2 महीने के अंदर ही ऐसा क्या हुआ कि ललित मोदी ने अपनी बायो भी चेंज कर दी और अपनी डीपी भी चेंज कर ली है? दरअसल इसकी वजह बताई जा रही है सुष्मिता सेन के एक्स बॉयफ्रेंड को। जी हाँ दोस्तों, सुष्मिता सेन जो अक्सर अपने एक्स बॉयफ्रेंड रोमन शॉल के साथ नजर आती हैं, वही उनके ब्रेकअप की वजह बनते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि ललित मोदी कुछ महीने पहले सुष्मिता सेन के साथ एक ग्लोबल टूर पर निकले थे और उन्हीं छुट्टियों की कुछ फोटोज को शेयर करते हुए सुष्मिता सेन के साथ ललित मोदी ने अपने रिश्ते को जग जाहिर किया था। लेकिन अब 2 महीने के अंदर ही उनके बीच में कुछ अनबन नजर आ रही है। दोनों के अलग होने की खबरें सोशल मीडिया पर इस वक्त काफी ज्यादा आग की तरह फैल रही हैं। इस वक्त उनके रिश्ते के बारे में काफी ज्यादा बातें हो रही हैं। दोस्तों सुष्मिता सेन की बात करें तो सुष्मिता सेन अक्सर अपने एक्स बॉयफ्रेंड रोमन शॉल के साथ नजर आती हैं। दोस्तों आपको बता दें कि ललित मोदी के उस पोस्ट पर कोई भी कॉमेंट या कोई भी रिएक्शन सुष्मिता सेन का सामने नहीं आया था, लेकिन सुष्मिता सेन ने भी कभी भी अपनी तरफ से ललित मोदी को डेट करने की बात नहीं की है। उन्होंने बस पोस्ट शेयर किया था कि उनके चारों तरफ काफी प्यार है, इसके अलावा उन्होंने कभी भी ये बात एक्सेप्ट नहीं की। हालांकि सुष्मिता सेन अक्सर अपने एक्स बॉयफ्रेंड रोमन शॉल के साथ समय बिताते हुए देखी जाती हैं। दोनों ने आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा की स्क्रीनिंग भी साथ में देखी थी। इसके अलावा सुष्मिता सेन की बेटी के बर्थडे सेलिब्रेशन में भी रोमन शॉल शामिल थे। दोस्तों हमेशा इन दोनों को साथ में देखा जाता है और ऐसे में सुष्मिता सेन और ललित मोदी के ब्रेकअप की वजह सुष्मिता सेन के एक्स बॉयफ्रेंड रोमन शॉल को बताया जा रहा है। दोस्तों अभी कुछ टाइम पहले ही सुष्मिता सेन के भाई राजीव सेन की जिंदगी में खुशियां वापस आई हैं। उनके भाई जो तलाक लेने जा रहे थे अपनी वाइफ चारू असोपा से, अब उन्होंने भी इस बात से इनकार कर दिया है और कहा है कि वो अपनी शादी को दूसरा चांस देंगे। लेकिन अब ऐसा लगता है कि सुष्मिता सेन के रिश्ते खराब हो रहे हैं। जहां उनके भाई की जिंदगी सुधर रही है, तो वहीं सुष्मिता सेन के रिश्ते में दरार आनी शुरू हो गई है। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बॉलीवुड से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहें फिल्मी बीट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर अभी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर फॉलो करें।